सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का अपना सेशन रहेगा आर्थिक समीक्षा का, ठीक है। तीन दो पार्ट तो अपन ने पहले कर लिए थे और आज रहेगा अपना थर्ड पार्ट, ठीक है। टू पार्ट अपन ने कर लिए आर्थिक समीक्षा के और आज तीसरा पार्ट करने वाले हैं। और एक पार्ट के अंदर और क्वेश्चन जो बनेंगे, जितने भी बनेंगे वो एक पार्ट के अंदर और अपन कर लेंगे, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा का अपना आज तीसरा सेशन है, तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जो ये आर्थिक समीक्षा है इसके अंदर आंकड़े हैं, ये अपन को रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार अपन रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन भी पाँच छः क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्थिक समीक्षा के अंदर से। तो चलिए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार WPI में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। अपन बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 की, ठीक है। तो इसके अनुसार जो 23 और 24 के अनुसार जो WPI में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन है 2.68%, 1.03%, 0.54% और 5.57%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.54% वृद्धि दर्ज की गई है किसके अंदर, WPI में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कुल प्रतिवेदित भू उपयोग में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, ठीक है। तो इसकी अपन बात करें, कुल प्रतिवेदित जो भू उपयोग में शुद्ध बोया गया क्षेत्र की अपन बात करें कितना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है 10.39%, 8.09% और 53.74% और 6.89%, ठीक है। तो कितनी प्रतिशत क्षेत्र, कितने क्षेत्र पर किया गया है बोया गया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है। तो शुद्ध अपन बात करें, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो 53.74% है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कुल दलहन उत्पादन में राजस्थान का देश में कुल उत्पादन में योगदान प्रतिशत कितना है, ठीक है। अपन बात करते हैं कुल दलहन की, दलहन उत्पादन में अपन बात करें तो देश के कुल उत्पादन में योगदान कितना है, राजस्थान की अपन बात करते हैं तो योगदान कितना है देश के, देश में दलहन उत्पादन में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है 14.51, 38.98, 13.89 और 46.63%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 14.51% कुल उत्पादन, ठीक है, कुल उत्पादन में योगदान है देश में, अपने राजस्थान की बात करें तो कितना उत्पादन योगदान है, तो 14.51% योगदान अपने राजस्थान का है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य में भूजल उपलब्धता के अनुसार सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं, ठीक है। सुरक्षित ब्लॉक की अपन बात करते हैं कि भूजल के अंदर जो भूजल उपलब्धता के अंदर जो सुरक्षित ब्लॉक हैं वो कितने हैं, तो इसमें ऑप्शन है 302, 22, 38 और 3, ठीक है। तो कितने ब्लॉक सुरक्षित हैं, तो इसमें सुरक्षित ब्लॉक आ जाएंगे 38, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। और 302 की अपन बात करें तो कुल ब्लॉक कितने हैं, कुल ब्लॉक, ठीक है, कुल ब्लॉक हैं 302। और अपन बात करते हैं तीन की, तो तीन ब्लॉक कैसे हैं, लवणीय, ठीक है, तीन ब्लॉक लवणीय हैं। और अपने सुरक्षित सुरक्षित ब्लॉक की अपन बात करें तो कितने हैं 38, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में दुग्ध उत्पादन 1000 टन पे अपन बात करते हैं, ठीक है, 1000 टन पे जो राजस्थान में जो दुग्ध उत्पादन कितना हो गया है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं राजस्थान की, तो आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार जो दुग्ध उत्पादन है वो कितना हो गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है 2761 और 33307 और 240 और 161। तो कितना हो गया है अभी दुग्ध उत्पादन की अपन बात करें तो कितना 1000 टन हो गया है, तो 33,307 टन हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करें मांस उत्पादन के अंदर कितना हो गया है, मांस है 240, मांस
उत्पादन, ठीक है, ये मांस उत्पादन है। और नेक्स्ट अपन बात करें 361, ठीक है, ये है ऊन उत्पादन, ऊन उत्पादन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दुग्ध के अंदर तो कितना है 33,307 है, और उनके अंदर रहते हैं 161। और अपन बात करते हैं मांस के अंदर, ठीक है, मांस के अंदर है 240 उत्पादन है, ठीक है, 1,000 टन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में वर्तमान पंचायती राज की स्थिति क्या है। अपन बात करते हैं वर्तमान में जो पंचायती राज की स्थिति है वो क्या है, कितने कितने पंचायत हैं, जिला परिषद है उनकी अपन बात करते हैं, ग्राम पंचायतों की। तो इसमें ऑप्शन है 33 तो जिला परिषद हैं अपने राजस्थान के अंदर, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्राम समितियों की, ठीक है, तो ग्राम समितियों की अपन बात करें तो ग्राम समिति हैं 365, और नेक्स्ट अपन बात करें ग्राम पंचायतों की तो 11,208 ग्राम पंचायत हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का नाम परिवर्तन कर राजस्थान बंजर भूमि व चारागाह विकास बोर्ड वर्ष रखा गया, ठीक है। इसमें अपन बात करें बंजर भूमि की, तो बंजर भूमि विकास बोर्ड का नाम परिवर्तन करके अब क्या कर दिया गया, बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी किसी भी योजना का किसी भी कार्यक्रम का जो नाम चेंज किया जाता है तो एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है, ठीक है, और नई सरकार बनी है तो एग्जाम जो योजना वगैरह है उनके नाम तो चेंज होनी है, ठीक है। तो इसका जो बंजर भूमि विकास बोर्ड का नाम क्या कर दिया गया, बंजर भूमि व चारागाह विकास बोर्ड कर दिया गया। किस वर्ष ये नाम परिवर्तन किया गया, तो इसकी अपन बात करें तो इसमें ऑप्शन है 2008, 2016 और 2022 और 2023। तो इसका नाम परिवर्तन किया गया 2016 के अंदर, भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कपास की उत्पादकता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, ठीक है, कपास में अपन उत्पादकता की अपन बात करें तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 37.29%, 36.59% और 26.66% और 35.28%, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा 35.28%, जिसके अंदर जो कपास उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 35.28% की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक, ठीक, सॉरी 2023 तक समाधि में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा कितने प्रतिशत अधिक रही, ये सामान्य, ठीक है, सामान्य। अपन बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार जो 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2023 तक की अपन बात करें तो सामान्य जो वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से कितना प्रतिशत अधिक रही है, ठीक है, वास्तविक वर्षा से सामान्य वर्षा की अपन बात कर रही है तो कितने प्रतिशत रही है, तो इसमें ऑप्शन है 4.69%, 14.69% और 24.69% और 18.90%, तो कितने प्रतिशत अधिक हुई है वर्षा, तो इसकी अपन बात करें तो 14.69% अधिक वर्षा हुई है, वार्षिक वर्षा से सामान्य वर्षा कितने प्रतिशत अधिक हुई, तो 14.69% हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय श्रृंखला के लिए CPI औद्योगिक श्रमिक की अपन बात करते हैं, ठीक है, औद्योगिक श्रमिक निर्माण के लिए राजस्थान में केंद्र स्थित है, ठीक है, राजस्थान में केंद्र स्थित है। इसकी अपन बात करें कि इसकी जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय श्रृंखला के लिए जो CPI औद्योगिक श्रमिक का निर्माण किया जाता है, इसका अपन को केंद्र बताना है कि कहाँ पर स्थित केंद्र है इनका, ठीक है, कहाँ कहाँ पर स्थित किया गया है केंद्र, आर्थिक जो औद्योगिक श्रमिक हैं इनका जो केंद्र स्थित किया गया है, तो इसकी अपन बात करते हैं अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। इन तीनों जगह जो केंद्र स्थापित है वो किया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। निम्न में से अपन बात करते हैं कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो आर्थिक समीक्षा के इसमें अपन बात करें, ये एक नंबर पॉइंट है, ठीक है, दिख नहीं रहा, ये एक नंबर पॉइंट है और ये दो नंबर पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी अपन बात करें, आर्थिक समीक्षा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आर्थिक एवं संख्या की निदेशालय वित्त विभाग जयपुर राजस्थान के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो इसके अपन बात करें, जो आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण दस्तावेज की अपन बात करें, जो आर्थिक आर्थिक संख्या की निदेशालय वह वित्त विभाग और जयपुर जयपुर राजस्थान के द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो जयपुर राजस्थान के द्वारा जारी किया गया है। और इनका जो बात करें अपन, सांख्यिकी निदेशालय वित्त विभाग कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, आर्थिक समीक्षा दस्तावेज में विभिन्न क्षेत्रों के सांख्यिकी समको एवं राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन है एक, केवल एक और केवल दो और एक व दो या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा कि जो आर्थिक समीक्षा के दस्तावेज विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी समकों व राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा केवल दो, ठीक है, केवल दो ऑप्शन है, कौन से में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा जो है 2023-24 के अनुसार राजस्थान में प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान के अनुसार सही अवरोही क्रम अपन को बताना है। यहाँ अवरोही क्रम पूछा है तो आरोही क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अवरोही क्रम पूछा है या आरोही क्रम, दोनों क्रम में से किसी भी क्रम से के अंदर पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इसमें अपन को बात करें, जो आप प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान योगदान के अनुसार जो सही क्रम अपन को बताना है आरोही क्रम में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है फसलें, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य, और फसलें ठीक है, यहाँ दो बार फसलें फसलें हो गए तो एज गैप आप कर लेना पशुपालन, ठीक है, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन फसलें और मत्स्य वानिकी, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है पशुपालन, वानिकी, मत्स्य और फसलें, ठीक है। और नेक्स्ट है फसलें, सॉरी, पशुपालन फसलें वानिकी और मत्स्य, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि आरोही अवरोही क्रम पूछा है, ठीक है। अवरोही क्रम के अंदर हो जाएगा पशुपालन फसलें वानिकी और मत्स्य, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में द्वितीय क्षेत्र उद्योग का स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना प्रतिशत योगदान है, ठीक है। तो अपन बात करें स्थिर मूल्यों की, स्थिर मूल्यों के अंदर जो सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना प्रतिशत योगदान राजस्थान का है, इसमें अपन बात करें तो इसमें ऑप्शन है 28.21%, 89.84% और 27.76% और 27.31%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, 29.84% योगदान अपने राजस्थान का है, किसके अंदर, जो स्थिर मूल्य सकल राज्य मूल्य वर्धन में, ठीक है, उद्योग के क्षेत्र में अपन बात करें तो कितना प्रतिशत, 29.84%, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में द्वितीयांक क्षेत्र में उप क्षेत्रों में सबसे कम योगदान किसके किस उप क्षेत्र का है प्रचलित मूल्य के अनुसार, ठीक है। अब अपन को बताना है प्रचलित मूल्य के अनुसार, वो तो था एक तो होता है स्थिर और एक होता है प्रचलित, तो अपन को बताना है प्रचलित मूल्य के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो द्वितीय क्षेत्र के उप क्षेत्रों में सबसे कम योगदान
किस उपक्षेत्र का है, ठीक है। जो उपक्षेत्र हैं उनके अंदर अपन को बताना है, जो द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं उसमें अपन को बताना है कि सबसे कम योगदान किसका रहा है, ठीक है। तो जो द्वितीय क्षेत्र का उसके अंदर आते हैं विनिर्माण, निर्माण, खनन और उत्खनन, विद्युत, गैस और जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएं, ठीक है। तो इसमें सबसे कम है वो उसका स्थान रहा है, ठीक है। तो सबसे कम की बात करें तो सबसे कम रहा है विद्युत, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएं हैं वो राजस्थान के अंदर, जो प्रचलित मूल्य के अनुसार है वो सबसे कम योगदान रहा है, ठीक है। सबसे कम पूछे तो आ जाएगा विद्युत, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूछे कि राजस्थान के अंदर जो प्रचलित मूल्य के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, तो सबसे ज्यादा योगदान रहा विनिर्माण का, ठीक है। सर्वाधिक योगदान की अपन बात करें तो किसका रहा है, विनिर्माण का रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना योगदान रहा है, ठीक है। तो इसकी अपन बात करें तृतीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तृतीय क्षेत्र के अंदर अपन बात करें सेवा क्षेत्र का, तो सेवा क्षेत्र का इसमें कितना योगदान रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है 45.07% और 23.95%, 43.74% और 51.07%, ठीक है। तो अपन बात करते हैं प्रचलित मूल्य के अंदर जो सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना योगदान रहे, सेवा क्षेत्र की अपन बात करें, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र के अंदर योगदान रहा 45.07% रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित मूल्यों के अनुसार तृतीय क्षेत्र के उप क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र का रहा है, ठीक है। तो अपन बात करिए अब तृतीय क्षेत्र की, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र का जो उप क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान की अपन बात करें किस उप क्षेत्र का रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है स्थावर संपदा और आवासीय ग्रह, पेशावर सेवाएं और व्यापार, होटल, जलपान ग्रह और परिवहन, भंडारण, संचार और वित्तीय सेवाएं। ठीक है, तो सर्वाधिक की अपन बात करें सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, तो इसमें सर्वाधिक योगदान रहा व्यापार, होटल और जलपान ग्रह का, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक WPI की अपन बात करें तो WPI के आधार पर जो वर्ष कितना है, ठीक है। जो थोक मूल्य सूचकांक की अपन बात करें तो इसका आधार वर्ष कितना है, तो इसमें ऑप्शन है 2011-12 और 1999 और 2012-13 और 2015-16, ठीक है। तो इसका आधार मूल्य की अपन बात करें तो कितना है 1900-2000, ठीक है, 1900-2000। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, थोक मूल्य सूचकांक में 154 वस्तुएं जिनमें सर्वाधिक वस्तुएं द्वितीयक समूह में हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं द्वितीयक समूह की, तो इसमें जो सर्वाधिक वस्तुएं किस क्षेत्र के अंदर हैं, द्वितीयक समूह के अंदर हैं और इसमें कितनी वस्तुएं हैं, 154 वस्तुएं हैं, ठीक है। इनकी अपन बात करें तो WPI में आर्थिक सर्वाधिक भारांकन प्राथमिक समूह का है, ठीक है। तो इसमें एक नंबर पॉइंट तो है और दो नंबर, ठीक है। एक नंबर पॉइंट की अपन बात करते हैं, थोक मूल्य सूचकांक में 154 वस्तुएं जिसमें सेवाएं सर्वाधिक द्वितीय क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन की अपन बात करिए, WPI में सर्वाधिक भारांकन प्राथमिक समूह का है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा केवल एक, केवल दो, एक या दो, या न तो एक है और न ही दो है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। अपन को असत्य कथन अपन को बताना है, तो इसमें ऑप्शन है 2022 के मुकाबले 2023 में WPI में सर्वाधिक वृद्धि प्राथमिक समूह में हुई है, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि की अपन बात करें तो किसके अंदर हुई है, प्राथमिक
समूह में हुई है, किसके मुकाबले 2022 के मुकाबले 2023 के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट गिव्स में ऑप्शन है 2023 में थोक मूल्य सूचकांक 387.90 रहा है, ठीक है। कितना रहा 2023 की अपन बात करें तो थोक मूल्य सूचकांक की अपन बात करते हैं 287.90 रहा है। नेक्स्ट अपन बात करिए ऑप्शन की तो 2022 के मुकाबले में 2023 में थोक मूल्य सूचकांक 0.54% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो अपन 2022 के मुकाबले अपन बात करें 2023 की तो थोक मूल्य सूचकांक में 0.54% की वृद्धि रही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा केवल एक व दो, केवल दो और एक दो तीन, ठीक है। तो इसके जो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एक और दो और तीन, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो अपन को बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य नहीं, सत्य कर लेना, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही ऑप्शन सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। असत्य अपन को बताना है कि कौन सा कथन असत्य है इसके अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, इसमें ऑप्शन है सीपीआई का आधार वर्ष 2016 है और सीपीआई का श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किया गया और सीपीआई के आधार पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। अपन बात करें जो सीपीआई के आधार पर जो सर्वाधिक जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारी के महंगाई भत्ते का निर्धारण है वो किया जाता है। और नेक्स्ट अपन बात करें संपूर्ण भारत के 88 केंद्रों के लिए सीपीआई जारी किया गया है, ठीक है। तो जो संपूर्ण भारत के अंदर कितने केंद्रों पर सीपीआई है वो जारी किया गया है, तो 88 केंद्रों पर जारी किया गया है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करें तीसरे ऑप्शन की तो ये भी करेक्ट है। और जो सीपीआई का आधार वर्ष है वो कौन सा माना गया है, 2016 माना गया है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीपीआई श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किया गया, ठीक है। तो ये शिमला द्वारा जारी नहीं किया गया, ये किसके द्वारा जारी किया गया है इसकी अपन बात करें तो ये चंडीगढ़ के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया, तो चंडीगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है असत्य है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कौन सा समूह शामिल नहीं है। औद्योगिक अपन बात करें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कौन सा जो समूह शामिल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन है निर्माण, विनिर्माण, उद्योग और खनन, ठीक है। तो किसका जो इसमें शामिल है वो किसको नहीं किया गया है, किसकी अपन बात करें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की, तो इसमें शामिल किसको नहीं किया गया, तो इसमें ऑप्शन है निर्माण, विनिर्माण और विद्युत और खनन। तो इसमें शामिल नहीं किया गया निर्माण को, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सत्य अपन को बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। तो सकल अस्थायी पूंजी निर्माण परिसंपत्तियां 2022 और 23 के में कितनी थी, 3,95,574 करोड़ की रही है, ठीक है। 2022 और 23 की अपन बात करें तो जो पूंजी निर्माण है वो कितने करोड़ रही, 3,95,594 करोड़ रही, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन की अपन बात करें तो यह राज्य डीजीपी का 29.43% रहा है, राज्य डीजीपी की अपन बात करें तो कितना 29.43% रहा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक योगदान रहा है, अपन बात करें राज्य जो डीजीपी का तो कितना प्रतिशत रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एक व दो, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल एक और दो हो जाएगा। और इसमें अपन बात करें
जो निम्न सॉरी सकल स्थायी पूंजी निर्माण है वो कितनी 2022 और 23 के अनुसार कितनी है ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। 3,95,494, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करें ये है डीजीपी का कितना प्रतिशत है, 29.43% है। नेक्स्ट अपन बात करें जो स्थायी पूंजी निर्माण सर्वाधिक योगदान रहा है, ठीक है, तो ये सर्वाधिक जो नहीं सर्वाधिक है वो किसका रहा है, निजी क्षेत्र का रहा है, ठीक है, निजी क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का योगदान रहा है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं मार्च 2022 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। अपन बात करें 31 मार्च 2022 की अपन बात करें तो राजस्थान में जो रेल मार्ग हैं उनकी लंबाई कितनी है, तो इसमें ऑप्शन है 6,019 किलोमीटर और 6,027 किलोमीटर और 6,046 और 6,060 किलोमीटर, ठीक है। तो कितनी लंबाई थी राजस्थान के अंदर कब तक, 31 मार्च 2022 तक की अपन बात करें तो कितनी थी, 6,046 किलोमीटर लंबाई थी, ठीक है, रेल मार्गों की। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, अपन को सत्य कथन बताना है कि कौन सा सत्य है। तो वर्ष 2022-23 की अपन बात करें तो खदानों का कुल उत्पादन 245.0 लाख मेट्रिक टन रहा है, ठीक है। इसमें बात करें 2023-24 की तो खदानों का जो कुल उत्पादन है वो कितना टन रहा है, मेट्रिक टन रहा, तो 245.01 मेट्रिक टन रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें वर्ष 2022-23 की, ठीक है, तो 22 और 23 के मुकाबले अपन बात करें तो 2023-24 में खदानों के कुल उत्पादन में 3.8% की कमी आई है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं जो खदान क्षेत्र हैं उसमें 2022-23 के मुकाबले 2023-24 के अंदर कितने प्रतिशत जो कितने अपन बात करें कितने प्रतिशत कमी आई, 3.8% की, ठीक है, तो 3.08% की कमी आई थी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए व दो, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सत्य हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, अपन को सत्य कथन बताना है। तो इसमें ऑप्शन है 31 मार्च 2023 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, 301.86 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें अपन बात करें सड़कों की लंबाई की, तो सड़कों की लंबाई कितनी बताइए इसमें, 301.86 किलोमीटर। और नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो इसे 31 मार्च 2023 तक राजस्थान का सड़क घनत्व 87.18 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर रहा है, ठीक है। तो अपन बात करें 31 मार्च 2023 की, ठीक है, तो इसमें राजस्थान सड़क की अपन बात करें तो इसका घनत्व कितना रहा, 87.18 किलोमीटर नहीं, इसका घनत्व रहा था 88.18 किलोमीटर प्रति घनत्व रहा है, ठीक है, प्रति वर्ग 100 किलोमीटर के अंदर घनत्व इसका रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, केवल एक, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, और एक पार्ट और आर्थिक समीक्षा का बचा बाकी है वो भी अपन कल कर लेंगे, ठीक है, और दो पार्ट पहले हो चुके हैं और तीसरा पार्ट आज अपन ने पूरा कर लिया है, ठीक है, और एक पार्ट में और भी जितने भी आर्थिक समीक्षा क्वेश्चन बनते हैं वो अपन ले लेंगे, ठीक है। सभी को धन्यवाद।